अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट चौधरी मोहसिन और आप देख रहे हैं 27 न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं मेन फिरोज़पुर रोड गज्जू मत्ता स्टॉप पे, जहां पे मेरे साथ एक दबंग पुलिस ऑफिसर फ़खर वट्टू साहब और पीओ यासर साहब मौजूद हैं, जिनको आप देख सकते हैं। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके कि रोड पे जितनी अगर नाजायज़ तजावजात थे, रेड़ी बांध थे, माशाल्लाह हमारे दबंग पुलिस ऑफिसर फ़खर वट्टू का नाम सुनते ही रोड से गायब हो जाते हैं। आज रोड माशाल्लाह बिल्कुल क्लियर है और ट्रैफिक की रवानगी में कोई मुतासिर नहीं है। तो मज़ीद जानते हैं हम अपने फ़खर वट्टू साहब दबंग पुलिस ऑफिसर से, ट्रैफिक को क्लियर करवाने में इनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। वट्टू साहब बताइएगा कि रोड जो आपने क्लियर करवाते हैं, रेहड़ी बांध, किन मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह कोई मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता। इन लोगों ने रोड बंद किया हुआ था, बिल्कुल ये ट्रैफिक में प्रॉब्लम करते थे और रेड़ियाँ और जो काउंटर इन्होंने रोड पे लगाए हुए थे, और अल्हम्दुलिल्लाह ये आपकी कावश और आवाम की मेहनत और तमाम भाइयों की मदद से हमने ये बिल्कुल रोड क्लियर करवा दिया और इंशाल्लाह ये आइंदा भी क्लियर ही रहेगा। जी वट्टू साहब, एक और सवाल था मेरा कि देखें, हम किसी बाइक वाले को रोकते हैं, गाड़ी वाले को रोकते हैं या किसी भी कमर्शियल गाड़ी को रोकते हैं, उनका चलान कर दिया जाता है, तो ये रेहड़ी बांध के खिलाफ अगर कार्रवाई करवानी हो तो इनका क्या तरीका कार है, इनके खिलाफ आप कैसे कार्रवाई करते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ये हम इनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, इनसे बयान अल्फी लेते हैं और वार्निंग भी देते हैं, लेकिन फिर भी बात ना आए तो इनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, सगासा देते हैं। जी शुक्रिया। नाज़रीन आपने फ़खर वट्टू साहब की भी बातें सुनी कि इनके खिलाफ अगर रेहड़ी बांध जो हैं, इनको पहले वार्निंग दी जाती है, अगर वार्निंग के बाद ये ना साइड पे हो, इनके खिलाफ इस्तखासा दे के FIR करवाई जाती है। अपने होस्ट चौधरी मोहसिन को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।